अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एडीएस किचन। तो जैसे कि आज फाइनली चांद दिख गया है, ईद का आप सबको ईद मुबारक। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईद की। तो सबसे पहले ये दाल हमने भिगा लिया है। दाल की हमारे घर पे स्पेशल पूड़ी बनती है, इसके लिए हमारे घर पे स्पेशल लोग आते हैं दाल की पूड़ी खाने के लिए, इसलिए हम लोग क्वान्टिटी में दाल की पूड़ी बना रहे हैं। और ये साई टुकड़ा इसलिए हम रेडी कर रहे हैं शाम में ही, ताकि सुबह तक अच्छे से सेट हो जाए। तो ऑलरेडी हमने तल के घी में चाशनी में भिगा के सेट कर लिया है। इस तरफ मलाई रेडी हो रही है उसकी क्रीम, तो फिर दूध भी एक तरफ लाल हो रहा है। तो अभी आगे की प्रोसेस हम बताते हैं हम क्या क्या तैयारी करेंगे। गरम पतीली हो गई है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ चुरमा का, दूध उबालने के लिए पानी इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि दूध मतलब जल्दी जल्दी चिपके ना। तो दूध हमारा क्वांटिटी में तो फटने का भी डर होता है, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, इससे फटेगा नहीं हमारा दूध। क्रीम बनाने के लिए इसमें 200 ग्राम खोया ऐड करेंगे, तो डाल देते हैं इसमें, इसे पकाएंगे 15 मिनट। की फुल और परफेक्ट रेसिपी हमने 220 में डाली है, तो आप जरूर उस पर विजिट करें, देखें हमारी पूरी रेसिपी। अगर आपको ये पसंद आए तो फिर वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे हम फटाफट बादाम काट रहे हैं सिरखुरमे के लिए। यहाँ पे दाल वाली पूरी की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट इसे भी बघार लेते हैं, इसे ठंडा करके तो हमें पीसना रहेगा। ये दाल वाली पूरी की भी रेसिपी ईद वाले ब्लॉग में है हमारे, तो आप वहाँ पे विजिट करके फुल रेसिपी देख सकते हैं। अभी हम फुल रेसिपी नहीं बना रहे हैं, फिलहाल ब्लॉग बना रहे हैं। दूध का कलर चेंज हो गया है और ड्राई फ्रूट को भी हमने घी में फ्राई कर लिया। दूध को ड्राई फ्रूट को हम दूध में डाल देंगे। यहाँ पे हम खोया डाल रहे हैं। अजान के साथ साथ हमारा सिरखुरमा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह टाइम से रेडी हो गया है। तो अभी हम किमामी की तैयारी करेंगे, उसमें भी 15 से 20 मिनट कम से कम लगेगा। गोश्त को हमने अच्छे से धो लिया है, ये 3 किलो गोश्त है, इसमें हम प्याज काट देंगे। आधा किलो सेवई की हम किमामी बना रहे हैं, तो उसके लिए चाशनी रेडी हो गई है, सेवई को भून लिया है और अब डाल दे रहे हैं ड्राई फ्रूट। इसमें इलायची पाउडर डाल चुके हैं। 3 मीडियम साइज कांदे को कट करके हमने डाल दिया है, फाइनली चॉप कर लिया है।
रफली चॉप किया है, और 6 से 7 हरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ, और 1 मुट्ठी भर के लहसुन डाल रही हूँ, और आधा स्टार फूल है, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 छोटी इलायची इसे भी डाल देंगे, फिर हल्दी नमक डाल देंगे। इसमें नमक भी हम हल्का फुल्का डाल देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। दो से तीन चम्मच तक ऑयल, तीन तेज पत्ते को हमने लिए, ऐसे थोड़ा तोड़ देती हूँ और अच्छे से हाथ से मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब जैसे ही खुशबू अच्छे से आने लगी है तो अब इसे हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे बॉईल होने के लिए। यहाँ पे हमारी कीमामे भी रेडी हो रही है, फिलहाल रेडी होने तक रेडी हो ही गया है हमारा। तो फ्लेम को अब कर देंगे खोया को मिक्स करने के बाद ऑफ, और इसे भी हम रख देंगे साइड पे। इसकी भी फुल रेसिपी हमने डाली हुई है 222 में, तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा ईद स्पेशल ब्लॉग में। ये देखिए हमारी की मम्मी कितनी बढ़िया सी बनी है। सालन के लिए हमने ले लिया है 750 ग्राम यानी 1.25 किलो कांदे को हमने फाइनली चॉप कर लिया है, और मसाले में गरम मसाले में हमने लिया है ये 2 बड़े चम्मच, 2 बड़ा चम्मच सौंफ, 2 बड़ा चम्मच जीरा, दालचीनी, 12 से 15 लौंग, 10-12 हरी इलायची, फिर थोड़ा सा जायफल, 4 बड़ी इलायची, थोड़ा सा स्टार फूल की कलियां 2-4-5, और एक जावित्री और 1 चम्मच तक काली मिर्च। और हरे मसाले में लिया है हमने अदरक 200 ग्राम, 200 ग्राम लहसुन, और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। यहाँ पे हम ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.25 किलो तक का तेल जो गर्म हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें कांदा। यहाँ पे फटाफट दाल वाला पराठा भी बन रहा है, दाल वाली पूरी यानी। कांदा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब इसमें डाल देते हैं मसाला। मसाला जो मैंने दिखा चुका है तो उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसलिए इसे मैं डाल दे रही हूँ। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2.5 चम्मच मिर्ची पाउडर और हल्दी 1 चम्मच। दाल वाली पूरी हमारी इतनी सारी रेडी हो चुकी है, अभी यहाँ पे कंटिन्यू पकी रहा है। पूरी तो हमारी रेडी हो चुकी है, अब सालन के साथ में हम थोड़ी बहुत रोटी भी बनाएंगे और फिर नान भी मंगाएंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुना चुका है, ये देखिए तेल भी सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। चलिए तो फिर गोश्त का डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है हमारे सालन का, ईद स्पेशल सालन। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है तो हमें ज़रूर बताना। इसमें हम पानी डाल रहे हैं 2 गिलास उसी कुकर को खंगाल के। इस मोमेंट पे हम नमक को चख लेंगे, और नमक अगर कम लगे तो हम इसमें मिलाएंगे, तो हमारा नमक इसमें कम है क्योंकि मैंने 2 ही चम्मच डाला था गोश्त में नमक, और कांदे में 1 ही चम्मच डाला था, तो फिर और डालते हैं चख के। तो चलिए फिर इसमें डाल देते हैं नमक। सालन रेडी हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं हम हरा धनिया फ्रेश काट के। यहाँ पे हम दही वड़े की भी तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा मतलब खाना हो गया है, बस अब चावल बनाना है। दही वड़े के लिए दाल को हमने पीस लिया, उड़द की दाल है, और ये छाँस है जिसमें हम वड़े निकाल के डालेंगे, और एक तरफ ऑयल गर्म हो रहा है, अब इसमें डाल देते हैं वड़े।